आ जा गुरुदेव, आ जा। आपका लाइव हो रहा है, आपको बोलो। हरे कृष्णा, बोले श्री गरुड़ गोविंद भगवान की जय। हाँ, ओम ज्ञानतिमिरं दश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। इधर आ जाओ। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें सही आ रही है कि नहीं? बढ़िया आ रहा है, बढ़िया आ रही है। कभी कभी तो ना फिर फिर नवचा क्यों कर रहे हो? बढ़िया आ रही है ना, यही तो चक्कर है। लो हो गया। हरे कृष्ण। यहाँ से अच्छा आ रहा है, वो बहुत फेस ही फेस दिख रहा है। अब ठीक है। हरे कृष्णा, बोले श्री गरुड़ गोविंद भगवान की जय। ये जो स्थान का नाम है छठीकरा। क्या नाम है? छठीकरा। ये स्थान का नाम छठीकरा क्यों नाम पड़ा है? जब कृष्णा जमलार्जुन वृक्ष को उन्होंने तोड़े, उसके बाद में जितने सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर एक मीटिंग की। मीटिंग में ये उनकी ये पास करवाए, लगता है कि जो ब्रज है हमारी रहने का अभी लायक रह नहीं गया, क्योंकि पहले पुतना आ गई, उसके बाद में फिर सकटा शुरू आ गया, उसके बाद में तृणावर्त आ गया है। ये एक को बाद में राक्षस, एक को बाद में एक आती जा रही। फिर लास्ट में क्या हुआ, जब ये जमलार्जुन वृक्ष टूटा, बोले भैया अभी ये पेड़ भी ये सबके सब प्रतिकूल बन गया है, हैं? और कृष्ण के ऊपर भी पेड़ भी टूट करके अपने आप गिरने लग गए। लगता है ये जो ब्रज है ये हमारे रहने का लायक नहीं रह गई, इसलिए हमें एक काम करते ही ब्रज छोड़ करके फिर और कहीं चले जाते। बोले जाए तो जाए कहाँ, जो सबसे बड़ा जो बड़ा गोप था जिनका नाम था उपानंद गोप, उन्होंने बोले देखो ये पास में एक वृंदावन है, बड़ा सुंदर स्थान है, गैया को खाने के लिए सुंदर सुंदर घास है, बच्चों को खेलने के लिए बड़े सुंदर सुंदर मैदान है, और वहां पर पेड़ पौधा फल फूल से एकदम लदे हुए, और यमुना बड़ी सुंदर रूप में यमुना नदी बह रही है, और वहां पर श्री गिरिराज गोवर्धन भी है, बड़ा प्यारा स्थान है। सब लोगों ने सोचा भैया फिर लेट क्यों करते हो, आज ही चलते हैं, जाओ ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, आज ही हम सबके सब श्री वृंदावन चलते हैं। सबके सब तैयारी हो गई, और जितने बड़े बूढ़े थे उनको बैलगाड़ी में बैठा दिया है, और जितने जवान थे सबके सब तीर धनुष लेकर के सबके सब सधज गए, और केवल नंदा बाबा का ही नल्ला गया है, और गोप का भी और भी गया। जब काली गैया चलती है ऐसे लगता है जैसे यमुना नदी बह रही है, जब सफेद गैया चलती है लगता है सख्यात गंगा नदी बह रही। बड़ा सुंदर स्थान है, बड़ा सुंदर मनोरम है। इतने में एक बैलगाड़ी में मैया जसोदा, माता रोहिणी, कृष्ण और बलराम बैठे हुए। उनका उम्र कितना है? बोले 3 साल 4 महीने की अभी है। देखना बच्चों का स्वभाव, कोई चीज देखे ना छठ प्रश्न करते हैं। चलते चलते देखा एक पेड़, बोले भैया भैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें दाढ़ी है? बोले लाला ये पेड़ का नाम बरगद पेड़ है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें सारे पत्ते हिल रहे हैं? बोले मैया ये पेड़ का नाम, कहते लाला ये पेड़ का नाम पीपल पेड़ है। बोले मैया मैया देख कितना सुंदर कोहो कोहो कोहो, कितने सुंदर आवाज आ रही है। भैया मैया ये कौन सा चिड़िया है? बोले लाला इसका नाम कोयल है। बोले मैया 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 देख कितने सुंदर चिड़िया है जिसके शरीर में बड़े सुंदर कारीगरी है। बोले मैया ये चिड़िया का नाम क्या है? बोले लाला इसका नाम मोर है। बोले मैया एक का तो बड़ा सुंदर पूंछ है और एक का पूंछ नहीं। बोले मैया ये क्या है? बोले जो पूंछ है ना ये पुरुष है और जो बिना पूंछ के ये स्त्री है। बोले मैया एक दूसरे को क्या लगे?
बोले ये जो बिना पूछ वाली है ना, जो पूछ वाली जिसका बहू लगती है, इसकी ये बहू लगती है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया देख कितने सुंदर जानवर है, हैं कितने सुंदर जानवर, कितने सुंदर कारीगरी शरीर में। बोले मैया ये कौन सा जानवर है? बोले इसका नाम हिरण है। बोले मैया एका तो सींग और एका सींग नहीं। बोले भैया ये क्या है? बोले जिसका सींग है ना ये पुरुष है, और जो सींग नहीं ये स्त्री है। बोले भैया एक दूसरे को क्या लगे? बोले जो बिना सींग वाली ये सींग वाले की बहू लगती है। बोले भैया सबकी बहू मेरी बहू का, इसलिए बोले मैया मेरे ताई भी एक बहू ले आ। बोले कोई चिंता मत करो, चलो अभी वृंदावन में चलो, वहीं पर ही तेरे किसी गोपी को साथ में शादी करा दूंगा। कहीं कहीं तो बताई कृष्ण इतने मचल गए, बोले नहीं बहू अभी दो, नहीं तो मैं यहाँ से चलूंगा, अभी मेरे लिए बहू ले आ। अब जितना बड़ी बड़ी गोपियां थी ना, घूंघट उतार करके बैठी गई है, घूंघट उतर बैठी गई, बोले चुन ले जिसको तू इच्छा चुन ले। इतने में कृष्ण बोली ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू। एक माता जी को बोली ये मेरी बहू, बोले ठीक है तेरी बहू अभी चलो। फिर तो कृष्ण आए, बोले कहाँ पर आए? कृष्ण यहीं पर आए, यहीं पर। इसका नाम है क्या? बस ऐसे कैसे ना गिरे, वाह वाह प्रत्येज। बोले यहीं पर आकर के उन्होंने बोले सकटम अर्ध चंद्रमत, कहते जो बैलगाड़ी थी ना सकट गाड़ी को उन्होंने अर्ध चंद्र करके, उन्होंने गाड़ी को यहीं पर उन्होंने रख करके, जिधर से हवा आती है ना गाड़ी को उस तरफ में ऐसे लगा दी, लगा करके यहीं पर रहे। इसलिए इसका नाम छट्टी करा। छट्टी मतलब होता है जो सकट, सकट मतलब होता है बैलगाड़ी। ये सब के सब ब्रजवासी। ब्रज मतलब क्या है? मतलब ब्रज गतो वा ब्रज चलती है, जो पहले गोकुल में रहे वहां से यहाँ पर, फिर डीक में जाएंगे, फिर कामा में जाएंगे, फिर नंदगांव में गए है, क्योंकि ये लोग ग्वाला है, मूल धन गावी। जब घास खत्म हो जाता है फिर वो स्थान को छोड़कर फिर उन्होंने और कई स्थान में चले जाते थे। इसलिए यहाँ पर सकट को ला कर अर्ध चंद्र पर रखे, इसलिए इसका नाम है छठी ग्रह। कहते यहाँ पर मैया जसुंधरा ने षष्ठी पूजा भी नहीं की थी, इसलिए ये स्थान भी छठी ग्रह है। यहीं पर कृष्ण 3.5 साल 4 महीना में जब आई, यहीं पर ही कृष्ण मचल गए थे। जब बड़े हुए बोले पिताजी पिताजी हम तो गैया चराएंगे, हैं गैया चराएंगे, क्यों? आप तो अभी वृद्ध हो गए हो, हम अभी कृष्ण बलराम अभी हम बहुत बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए घर में रहे, और बड़े बूढ़े जाकर काम कर सुबह देता है, इसलिए आप घर में बैठो और भगवान का माला जप करो, भजन करो, पूजा सेवा करो, हम दोनों भैया कृष्ण बलराम हम क्या करें गैया चराएं। अगर कोई बच्चा छोटे बच्चे अगर पिता माता को ऐसे बोले, बताओ पिताजी का मन क्या होगा? उसका छाती फूल जाएगा। बोले वाह मेरे बच्चे कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे, कहते घर में रहो भजन करो और हम जा करके हम गैया चरवाएंगे। नंद बाबा बोले हमारे घर में बहुत सारे हाँ नौकर चाकर है, गैया चराने के लिए बहुत लोग, तुमको जाने का जरूरत नहीं है, तुम घर में रहो यही लोग करें। बोले नहीं पिताजी हम ग्वाला है, हम लोग गोपाल है, गैया हमारी इष्ट है, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है, इसलिए हम तो जरूर हम गैया चराएं। फिर बोले ठीक है गैया चराने का जरूरत नहीं, पहले बछड़े को लेकर के जाओ, चराने का जरूरत नहीं, आस पास में जैसे बच्चे जाते हैं ना खेल कूद करके चले आते हैं, इसलिए खेल कूद करके चले आना, देखो कोई बढ़िया समय निकालनी चाहिए। फिर सांडिल ऋषि को बुलाए, बोले बहुत बढ़िया समय निकालो जिस दिन पर जाने से हाँ सब काम शुभ होता है। फिर उनने समय निकाला कार्तिक महीना में गोपाष्टमी का दिन, बोले गोपाष्टमी बहुत बढ़िया दिन, कोई भी काम करो वो काम शुभ होता है। गोपाष्टमी का दिन कृष्ण बलराम हर घर घर में मालपुआ बनवाए, हर घर घर में खीर बनवाए, और जा करके उन्होंने घर घर में खीर मालपुआ खाए। इतने में कृष्ण कह रहे हैं बोले लाला तो बछड़े चराने के लिए बाहर जाओगे? बोले हाँ मैया। बोले तेरे को देखे बगैर प्राण कैसे धारण करूं, तेरे को देखे बगैर मेरे तो प्राण छटपट करती है, तेरे को प्राण कैसे धारण करूंगा? कृष्ण ने कहा भैया मैं जब घर से बाहर जाता हूँ सखाओं के साथ में खेलता हूँ, तेरे घर पास में थोड़ी रहता हूँ, बच्चों के साथ में तो खेलता कूदता बाहर जाता हूँ, तो फिर तू प्राण कैसे धारण करता है?
बोले लाला जब तू बाहर जाता है ना बच्चों के साथ में खेलते हो तुम जोर जोर से किलकारी मारते हो, देखना बच्चे लोग किलकारी मारते है ना, बोले जब किलकारी मारते हो घर में बैठी बैठी करके तेरे किलकारी को सुनते सुनते मेरे मन में तसल्ली होता है लाला यहीं पर है लाला मेरे, इसलिए मैं तसल्ली धारण करता हूँ। बोले माँ कोई चिंता मत करो मैं जितने दूर तक क्यों नहीं जाऊँ वही से इतने जोर से मैं किलकारी मारते रहूंगा, तुम घर में बैठ बैठ करके मेरी किलकारी की आवाज सुनते रहोगे, इसलिए उस स्थान भी टेर कदम कहते, इसलिए कहते टेर मतलब जहाँ पर कृष्ण टेर लगाना, टेर मतलब जहाँ पर कृष्ण आवाज लगाया करते थे, इसलिए कृष्ण कभी यहीं पर सखाओं के साथ में उन्होंने बछड़े चराते चराते यहीं पर आए और सखाओं के साथ में खेलते खेलते कृष्ण कभी सखाओं को बोले जानते हो मैं कौन हूँ, बोले हम जानते तू गैया चराने वाले घर घर में मक्खन चोरी करते हो तू गोपाल हो, बोले तुम लोग ग्वाला तुम लोग मेरे को क्या जानते हो मैं साधारण है ही नहीं, हाँ सखाओं ने कहा तेरा ढीक हाँकना तेरा स्वभाव है, हम ये है बोले नहीं मैं सत्य युग में वही नारायण था जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मैंने सत्य युग में मत्स्य कुर्म बराह ये नृसिंह का मैंने ही स्वरूप धारण किया, मैंने ही राम रूप धारण किया, मैंने ही सब रूप धारण किया, बोले तू ढीक हाँकता तो ऐसे ढीक हाँकते रहे तो कुछ नहीं है, तेरे को हम पछाड़ देते हैं है? तेरे को हम पछाड़ देते हैं, हार जाते हैं तुम हमारे पास में और कहते ये था बोले देखना चाहोगे, बोले क्या दिखाओगे क्या दिखाओगे, इतने में कृष्णा उन्होंने क्या किया कृष्ण श्रीराम को साथ में सब बात तर्क वितर्क हो रहा था, इतने में कृष्ण ने ये जो ठाकुर दर्शन किया ना उनका बारह हाथ है उसमें बारह हाथ है, इतने में कृष्ण उन्होंने बारह भुजाओं को प्रकट किया है, उन्होंने बारह भुजाओं को प्रकट किया, महाराज देखे ना चलिए बाहर भुजाओं को उन्होंने प्रकट किया, हाँ बाहर भुजाओं को प्रकट किया, इतने में जो श्रीराम था इतने उसने गरुड़ रूप धारण कर लिया, फिर कृष्ण गरुड़ जी को पीठ पर बैठे फिर कहते उनको यहीं पर उन्होंने घुमाया है, इसलिए ये ठाकुर का नाम पड़ गया गरुड़ गोविंद, इसलिए हर मंदिर में आप देखना हर मंदिर में गरुड़ जी है, हर मंदिर में नियम है जब हम ठाकुर जी को दर्शन करते हैं गरुड़ को पीछे रह करके ही दर्शन करते, क्यों गरुड़ भगवान का भक्त है, जब तक तो किसी भक्त का अनुगत्य, इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गए पहले तो कोशिश किया डायरेक्ट दर्शन करने के लिए और पंडो ने उनको वहीं पर रोक दिया, पंडो ने वहीं रख दिया, उसके बाद में फिर महाप्रभु कभी भी अंदर में नहीं जाते थे, हर समय गरुड़ को पीछे रह करके वहीं से दर्शन करते थे, इसलिए ये ठाकुर जी का नाम गरुड़ गोविंद, कहती ये ठाकुर का स्थापन किसने किया बोले बज्रनाभ ने, किसने स्थापन किया बज्रनाभ ने, जिस समय कृष्ण ये जगत छोड़कर कृष्ण चले गए, जब कृष्ण जगत छोड़कर के चले गए अभी धीरे 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 कृष्ण के लीला स्थली धीरे 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 नष्ट होते जा रहा है, किसको पता नहीं गिरिराज कहाँ उठाए कहाँ पर कृष्ण गैया चराए कृष्ण कहाँ पर उन्होंने रास रचा है किसको पता ही नहीं, इसलिए जब परवर्ती समय में बज्रनाभ आए कृष्ण का पौपुत्र जो बज्रनाभ जी आए तो उन्होंने सांडिल ऋषि को लेकर के उन्होंने ये सारे लीला स्थलियों को उन्होंने दोबारा जगत में उन्होंने प्रकाशित किया, इसलिए उन्होंने कहीं एक मंदिर स्थापन कर दिया, कहीं पर उन्होंने कृष्ण जैसे लीला की थी है कि कभी कभी उन्हें ठीक वैसे ही लीला अनुरूप ये जो गरुड़ गोविंद यहीं पर गरुड़ गोविंद रूप धारण किया था, इसलिए उन्होंने यहीं पर ठाकुर जी की गरुड़ गोविंद रूप को उन्होंने यहीं पर स्थापन किया, शेष साई रूप में जहाँ पर भगवान नारायण रूप में जहाँ पर शेष सज्जा शयन किए थे वहां पर शेष साई रूप में स्थापन कर दिया, इसलिए उन्होंने पुनः ये ब्रज को उन्होंने स्थापन किया, इसलिए अभी जो थोड़ी बहुत हम लोग दर्शन कर रहे हैं लीला स्थल तो बहुत है, हम लोग जो बस में दर्शन करते हैं ना बहुत कम दर्शन करते हैं, लेकिन जो लोग चल चल करके चलते हैं ना जो डेढ़ महीना लगता है, दिन में अगर 15-20 किलोमीटर चलोगे किसी तरह से डेढ़ महीना में जाकर किसी तरह से परिक्रमा पूरी हो जाएगी डेढ़ महीना में, और इतने लीला स्थली दर्शन करके जो जिसका था नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ी बहुत हम लोग हाँ बस में जा रहे हैं ना इसलिए थोड़ी बहुत हम लोग का दर्शन हो रहा है, पूरा दर्शन हमारी नहीं हो रहे, थोड़ी बहुत दर्शन हो रहे हैं, इसलिए ठाकुर को किसने स्थापन किया कहते श्री बज्रनाभ ने स्थापन किया,
कहते परवर्ती समय में मुसलमान ने जो आक्रमण किया, आक्रमण करते ही पुजारी लोग वो जो कुंड है ना वज्रनावनी कुंड विस्थापन किया, इन्होंने क्या किया श्री ठाकुर को उन्होंने उसी कुंड में छोड़ करके चले गए। जब छोड़ कर चले गए परवर्ती समय में कोई साधु यहाँ पर आया, साधु जब आया आने पर तब उन्होंने वो साधु को स्वप्न दिया, क्योंकि भगवान सभी का सेवा ग्रहण नहीं करते। जैसे गोपाल जी हैं, गोपाल जी जो माधवेंद्रपुरी आए तब गोपाल जी स्वयं कहते हैं कबे माधवेंद्रपुरी आसी करीबे से बन, बोले मैं तेरे लिए बड़ी दिन से इंतजाम कर रहा था कब तुम आओगे, अब तुम कब मेरे सेवा करोगे, क्योंकि भगवान सभी का सेवा ग्रहण नहीं करते हैं, केवल भक्तों का ही सेवा ग्रहण करते हैं। इसलिए परवर्ती समय पर यहाँ पर कोई एक भजन आनंदी कोई साधु यहाँ पर भजन कर रहे थे, फिर उन्होंने उनको स्वप्न दिया, बोले ये मुसलमान का डर से मेरे सेवक लोग ये कुंड में मेरे को छोड़ करके चले गए, अभी मेरे को वहां से निकालो। फिर वो साधु ने फिर यहाँ से ठाकुर जी को यहाँ से निकाले, फिर यहाँ पर पुनः उन्होंने यहीं पर उन्होंने स्थापन किया है। इसलिए ये ठाकुर जी का नाम श्री गरुड़ गोविंद, बोले श्री गरुड़ गोविंद भगवान की हरे कृष्णा। यहाँ पर थोड़ा कीर्तन करते थे, ठीक है, सबके सब अगर खड़े हो जाओ, सबके खड़े हो जाओ, कीर्तन करके थोड़ी सी ना जो परिश्रांत है थोड़ी सी परिश्रांत दूर कर लो, ठीक है। बोले श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, मृदंग सब कहाँ गया, अद्वैत गदाधर श्रीवासा मृदंग लाभ गौर भक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री नहीं महाराज।